एन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला अस्पताल में एक बच्चे को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बच्चा किसी विस्फोटक पदार्थ की चपेट में आने से घायल हुआ बताया जा रहा है। हालांकि उसके परिजन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किए जाने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। यह बच्चा किस कारण से घायल हुआ और किस वजह से इसकी हालत हुई, इसको लेकर के पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ये तैयार है माता अहा अंदर हमको जता नहीं आता पेशेंट जो है वो बच्चा रेफर होके आया था जवेरा से। अकॉर्डिंग टू मदर, उनकी जो मम्मी है उनके हिसाब से पहले वो बोल रही थी कि उसको कोई इंजरी हुई है रॉड के कारण। जब मैंने अच्छे से उसको घाव को देखा और मैंने अच्छे से हिस्ट्री, तो उन्होंने बोला कि वो पटा के कारण चोट आई है। कन्फ्यूज़न यही था पहले, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि पटा के कारण चोट आई है और उसमें जो चोट एब्डोमन में है उसमें जो उसके लूप्स हैं, एब्डोमिनल लूप्स, इंटेस्टाइन, वो बाहर आए हुए हैं, जिस कारण मैंने उसको जौलपुर रेफ़र किया है। पेशेंट के मदर को और उनके डेंटर को मैंने 4 बार समझाया भी है, बट वो ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने 108 पे उनकी बात भी करवाई है और मैं पेशेंट को काउंसिल करके उसको रेफ़र करता हूँ। बच्चा भी स्टेबल है बट सर्जिकल नीड्स है उसकी, इसलिए मैंने उसको रेफ़र किया हुआ है।